अनावश्यक आहार अक्सर आपकी किडनी के काम में प्रभाव डालता है। आपके आहार का आपकी किडनी में खराब असर होगा या अच्छा, ये तो आपके आहार पर निर्भर करता है कि आप अपनी डाइट में लेते क्या हैं। अगर आप सही आहार लेते हैं तो इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है, साथ ही आपके शरीर के बाकी अंग भी ठीक तरह से अपना काम करते हैं। वहीं अगर आप अपनी डाइट में अधिक तेल मसाले का सेवन करते हैं तो ये आपकी किडनी को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, साथ ही ये आपके बाकी अंगों को भी प्रभावित करेगा। जब आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा तेल मसाले खाते हैं तो इससे आपकी किडनी में खराबी आ जाती है, क्योंकि ऐसे आहार आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं। जब आपकी किडनी ऐसे रक्त को साफ करती है तो इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं और धीरे धीरे किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाती है। इसके बाद किडनी के मरीजों को उनके खाने में कई सारे परहेज करने होते हैं। इसमें सबसे पहले तो उन्हें प्रोटीन युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किडनी के मरीजों को खट्टे फलों का सेवन वर्जित होता है और ऐसे आहारों से किडनी के मरीजों को दूरी बनाकर रखना चाहिए जिसमें पोटेशियम की अधिक मात्रा हो। इसके अलावा धान, मैदा, उड़द दाल, काबुली चना, मटर, राजमा, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, कीवी, बीन्स, टमाटर, किशमिश, खजूर, बेर, आलू, कटहल, बैंगन, अरबी, भिंडी, जामुन, आड़ू, कच्चा आम, केला, समोसा, पकोड़ी, परांठा, चाट, पापड़, खट्टे पदार्थ, सूखी सब्जियां, मालपुआ, छोले, बासी और फ्रिज में रखा ठंडा खाना, दूध से बने पदार्थ जैसे खोया, मावा, अधिक नमक का सेवन और मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। डार्क कलर का सोडा, एवोकाडो, ब्राउन राइस का सेवन भी किडनी के मरीज ना करें। किसी प्रकार का फ्रूट जूस, नारियल पानी, गन्ने का रस भी किडनी के मरीजों को पूरी तरह वर्जित होता है। इसके अलावा किडनी के मरीजों को कोई भी योग अपने आप नहीं करना है, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही योग करना है, क्योंकि किडनी के मरीजों को भारी योग करने से किडनी में दबाव पड़ सकता है जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए किडनी के मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के योग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किडनी के मरीजों को कोई भी घरेलू उपाय बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं अपनाना चाहिए, ये डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये कुछ आहार और कुछ जीवन शैली में बदलाव जिनको आप अपने जीवन में शामिल करें जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो ये आपको किडनी की सारी समस्याओं से दूर रखता है। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं, जिसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी किडनी ठीक रहती है। इसके साथ ही इस उपचार में आपको डायलिसिस जैसे दर्द को भी नहीं झेलना पड़ता और न ही आपको किडनी ट्रांसप्लांट के महंगे खर्च को उठाना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। तो कहाँ से आते हो? डिस्ट्रिक्ट संबल ही होती। संबल में कहाँ से? सिंगल सा। तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उल्टी की भी शिकायत थी और पेन था। अच्छा, ठीक है। अभी कैसे हो? ठीक है सर। कितना टाइम हो गया इलाज शुरू हुए? डेढ़ साल। ठीक है, सही हो? बढ़िया है। ठीक है।